सेक्शन में एक नया बॉक्स। रूबीज आपको बहुत पसंद है ना, लेकिन डैड की सैलरी से इन सबको खरीदना मुश्किल है। ठीक है, मैं कभी इन्हें खरीद नहीं सकती, लेकिन ये डायमंड या रूबीज नहीं है, ये बीड्स हैं, और शायद मैं इन्हें अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं कब से इन्हें खरीदना चाहती थी, पर अब जाकर मौका मिला है। कितने खूबसूरत है ना। अरे इसकी कीमत तो 10,000 है, ये तो बहुत महंगा है। आपको कैसे लगे, खूबसूरत है ना? इन्हें मशहूर डिजाइनर मिस यो मेक ने बनाया है, ये उनके बेहतरीन पीसेस में से एक है। आपका मतलब योमे? जी हाँ, सही कहा आपने, वही जो टीवी और मैगजीन्स में काफी दिखाई देती है। क्या आप सच कह रही हैं? पर ये बहुत महंगे हैं। मुझे लगता है ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा, ट्राई करना चाहेंगी? वो बात ये है कि मैं तो बस डिजाइन देखना चाहती थी। क्या आप अपने लिए खुद बनाएंगी? क्या मैं खुद के लिए बना सकती हूँ? बीड्स इतने महंगे नहीं पड़ेंगे और मैं अपने लिए खुद डिजाइन भी कर पाऊंगी। मेरी सारी सहेलियाँ पूरी तरह जल जाएंगी। मैं ओरिजिनल बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कुछ दिखा दीजिए आप। हाँ क्यों नहीं। अरे वाह, ये बहुत सुंदर है, ये ठीक रहेगा। एक पीस 160 रुपए। मुझे एक नेकलेस बनाने के लिए शायद 20 पीस चाहिए होंगे, या फिर 30 पीस। मैम आपके मतलब का सामान यहाँ पर है, ये सब बहुत सस्ते हैं मैम। ये जरूरी नहीं कि जो सस्ता है वो अच्छा भी हो। हाँ ये सारे के सारे 1400 रुपए में, मैं इन्हें ही ले लेती हूँ। इससे आप नेकलेस, ब्रेसलेट और इयररिंग्स बना सकती है, बहुत सस्ता पड़ेगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, सस्ता है लेकिन मैं इसे बहुत से डिजाइन्स बना सकती हूँ। और इन बीड्स के साथ आप इनमें से भी 2-3 बीड्स डाल सकती हैं। हाँ शायद आप ठीक कह रही हैं। क्या आपके पास इयररिंग्स और नेकलेस बनाने की बेसिक किट है? हाँ नहीं है। नहीं है तो आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी, वो किट बहुत ही सस्ती और अच्छी है। नेकलेस की स्ट्रिंग के लिए वायर भी चाहिए होगी, आप बीड्स रखने के लिए ट्री और डिजाइन बोर्ड भी खरीद सकती हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास भी चाहिए होगा। मैं बिना डिजाइन बोर्ड और मैग्नीफाइंग स्टैंड के कर तो सकती हूँ, लेकिन नहीं सोचा था कि बीड्स ज्वेलरी बनाने के लिए इतनी चीजें चाहिए। मैग्नीफाइंग बोर्ड तो घर में होना बहुत ही जरूरी होता है। ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, इसका इस्तेमाल बीड्स के होल्स देखने के लिए होता है। मैंने करीब 5,000 रुपए खर्च कर डाले, अब मुझे पूरे पैसे वसूल करने हैं। अरे नहीं, मैं नहीं चाहती तुम इसे हाथ भी लगाओ, ये खतरनाक है, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ये तुम्हारे खेलने की चीज नहीं है हिमावारी। शिनचैन थोड़ी देर हिमावारी को देखोगे? हाँ इसमें लिखा है कि घर पे बैठे बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। शिनचैन रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज बोलना होता है मॉम। तुम भी ना। इस बार सर्दियों में बहुत गर्मी रहेगी, वेदर फोरकास्ट में यही लिखा है। शिनचैन बेटा प्लीज थोड़ा और प्यार से। शिनचैन प्लीज प्यारे बेटे इसे देखोगे? हाँ बिल्कुल देखूंगा, 3 चक्कों से मेरा काम चल जाएगा। अच्छा तो वो तुम्हें 3 चाहिए? काम चलाने से तुम्हारा क्या मतलब है शिनचैन? तो आप नहीं देंगी। मैंने कब ऐसा कहा, लेकिन एक मिलेगी तुम्हें। एक का मतलब सिर्फ एक। अरे अरे एक से ही काम चलाना पड़ेगा। ये देखो हिमावारी, क्या तुम्हें इसे देखकर नींद नहीं आ रही, बताओ? ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने इसे कहाँ से उठा लिया शिनचैन? तो देखा मॉम, बच्चों को ऐसे ही सुलाते हैं। कमाल कर दिया बेटा। ये तो मेरा फर्ज था मॉम। मेरे बीड्स मुझे वापस करो शिनचैन। क्यों, ये तो मेरा रिवॉर्ड है ना मॉम। तुमने कहा था कि तुम्हें रॉयल चौको बी चाहिए है ना? फिर आपके पास तो बहुत से बीड्स हैं, एक दे दीजिए। बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस एक ही प्यारा प्यारा बीड चाहिए। ठीक है थोड़े से ले सकते हो। ये कंट्रोल करना कितना मुश्किल है। ये देखिए मॉम, एक्शन कमिंग। अरे वाह शिनचैन, क्या ये क्ले से बना हुआ है? हाँ ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर आपने मुझे बीच के लिए हाँ बोल दिया था। मैंने ये 160 रुपए में खरीदा है, और ये मैंने ज्यादा नहीं थोड़े से ही खरीदे हैं, समझे? तो क्या आप एक्शन का मेन की आंखों को निकाल देना चाहती है मॉम, बताइए ना। इस लड़के का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है मैं शुरू करती हूँ, समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा डिजाइन बनाऊँ। अरे ये बीड्स यहाँ पर रुक क्यों नहीं रहे हैं?
कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा घर टेढ़ा बना हुआ हो? अगर ऐसा है तो इन्हें चेक करने का एक ही तरीका है। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। तुम इनके साथ नहीं खेल सकते, ये बहुत महंगे हैं शिनचैन। रुक जाओ तुम। अरे अरे, ये काम बहुत मेहनत का है। तुम्हें इनके साथ नहीं खेलना चाहिए था शिनचैन। और बीट्स बचे हैं क्या? ये क्या है? मेरे पैर के नीचे एक है। धागा तो जा नहीं रहा। हा? उसने तो स्टोर में बहुत आसानी से डाल दिया था। इसी तरह बाकी के बचे हुए बीट्स भी मुझे एक एक करके डालने होंगे। तो ये है हमारी आज की गेस्ट, जो हमें बताएंगे कि बीट से नेकलेस कैसे बनाया जाता है। अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी, आज हॉबी टाइम विद मिस यू में आना था। ये बहुत ही आसान है, बस एक धागा लेना है और 1, 2, 3 और आप देख सकते हैं ये हो गया। यहाँ एक गांठ बांधेंगे और फिर से करेंगे 1, 2, 3। अरे हो गया। तो देखा ये करना कितना आसान है, अच्छी तरह से गांठ बांध दीजिए और हो गया। देखिए मैंने भी बना लिया, ये बनाना तो बहुत ही आसान है। पर ये मॉम के लिए थोड़ा मुश्किल है। मुझे उंगली मत दिखाओ, ये लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं, इन्हें थोड़ा धीरे करना चाहिए। तो आज ही खरीदिए ये किट और बनाइए घर बैठे नेकलेस अपनी पसंद के। इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। किट ओहा लाती हूँ। आप तो बहुत जल्दी खरीद कर ले आई। 1600 रुपए, थोड़ी महंगी थी लेकिन इसमें साफ साफ दिखाया गया है 1, 2, 3 फिर ऐसे करें, फिर इससे ऐसा डिजाइन बनाएं। इससे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है अपने हिसाब से बनाती हूँ। ये ऐसे, हाँ अब ठीक है। ये तो बुक वाले नेकलेस से बहुत ही अलग है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा वक्त लगेगा लेकिन मैं बना लूंगी बेटा। ठीक है मैं खाना बनाने जा रही हूँ। ये है मॉम का मुझसे नहीं होगा सेक्शन। लगता है कि जल्दी ही मुझसे नहीं होगा बॉक्सेस बहुत सारे हो जाएंगे। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं।